Now another different example of size of operator. Here we are testing some function calling statements. We means we are providing three function declarations: declaration for m1, declaration for m2, declaration for m3. As we are discussing, in case of size of operator, का size of operator में किसी भी type का function calling statement provide किया, generally functions कभी भी execute नहीं होंगे, कभी भी call नहीं होंगे. इनके respect में simply check करेंगे what is the return type of that functions. किसी भी function के respect में result किस form में depend हो, in the form of their return value. Just किसी भी function के respect में required क्या हो रहा है, only its return type. तो return type के respect मत करें. तीनों डिक्लेरेशन स्टार्टिंग प्रोवाइड किए, रिटर्न टाइप ऑफ m1 इज इंट, रिटर्न टाइप ऑफ m1 इज फ्लोट, रिटर्न टाइप ऑफ m1 इज डबल. देन वी आर टेस्टिंग अगेन डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ साइज ऑफ एक्सप्रेशंस. फर्स्ट वन साइज ऑफ के केस में करेंटली सप्लाई किया कॉलिंग m1. m1 के केस में इसका ओनली डिक्लेरेशन चेक हुआ, नॉट अ डेफिनेशन. इस केस में फंक्शन का बॉडी रिक्वायर्ड नहीं, तो सिंपली साइज ऑफ के केस में m1 के प्लेसेस पर आप लॉजिकली कंसीडर करो इट्स रिटर्न वैल्यू, और रिटर्न वैल्यू क्या है इसका, इंटीजर. देयरफॉर इट इज सिमिलर टू साइज ऑफ इंट, और इंटीजर का साइज क्या रिटर्न हुआ इस केस में, फाइनली 2 बाइट्स. हियर 2 इज रिप्लेस्ड बाई और रिटर्न बाई साइज ऑफ ऑपरेटर रेल डैश 2, देयरफॉर 2 is printed by printf functions. Next one again m2. m2 के रिस्पेक्ट में चेक करेंगे रिटर्न टाइप ऑफ m2, दिस इज फ्लोट टाइप. देयरफॉर लॉजिकली स्पेस पर कंसीडर किया जाएगा रिटर्न वैल्यू ऑफ m2 फंक्शन विच इज फ्लोट टाइप. साइज ऑफ फ्लोट इज ऑलवेज 4 बाइट्स, देयरफॉर इट विल रिटर्न 4. नाउ फाइनली इस प्रिंटफ के थ्रू डिस्प्ले क्या हो जाएगा, सिंपली 4. नेक्स्ट वन साइज ऑफ m3, अगेन m3 के रिस्पेक्ट में रिटर्न टाइप फाउंड हो रहा है डबल टाइप. डबल के अकॉर्डिंग साइज क्या होना चाहिए इस केस में, एज वी नो डबल विल टेक्स 8 बाइट्स. रिटर्न क्या हो रहा है स्पेस पर डबल टाइप. व्हाट इज द साइज ऑफ डबल टाइप, डबल टाइप के केस में साइज होगा सिंपली 8 बाइट्स व्हिच इज रिटर्न बाय साइज ऑफ एक्सप्रेशन. अगेन नेक्स्ट प्रिंट टाइप के थ्रू डिस्प्ले क्या हो जाएगा, सिंपली 8. तो किसी भी फंक्शन कॉलिंग के केस में हमेशा वैल्यू के स्पेसेस पर रिटर्न होगा बेस्ड ऑन रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शंस. नेक्स्ट वन रिमेनिंग प्रिंट एफ, इन दैट केस साइज ऑफ 5 लेफ्ट शिफ्ट वाई 1. हियर नो नीड ऑफ सॉल्विंग दिस एक्सप्रेशंस बिकॉज जनरली साइज ऑफ के केस में कभी भी एक्सप्रेशन रिजल्ट नहीं एग्जीक्यूट नहीं होते बिकॉज इस प्लेस पर एक्सप्रेशन का रिजल्ट स्टोर होगा या एक्सप्रेशन के लिए रिक्वायर्ड बाइट्स स्टोर होंगे. रिटर्न क्या हुआ से नंबर ऑफ रिक्वायर्ड बाइट्स टू स्टोर दिस रिजल्ट, और इस टाइप के रिजल्ट में से अगर आपने शिफ्टिंग ऑपरेटर यूज किया मीन्स बिटवाइज, और बिटवाइज ऑपरेटर केस में ऑपरेंड्स के भी टाइप क्या होता है इंटीजर, और इनके रिजल्ट भी किस फॉर्म में रिटर्न होते हैं ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर. फाइनली बिटवाइज एक्सप्रेशन में ऑलवेज चेक क्या करेंगे, सिंपली इंटीजर साइज, और इंटीजर का साइज क्या है 4 2 बाइट्स, इसलिए फाइनली इस केस में रिटर्न क्या हुआ सिंपली 2. देयरफॉर अगेन 2 इज प्रिंटेड हियर. नेक्स्ट वन अगेन लेट्स सी अनदर कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिकल अर्थमेटिक रिलेशनल और साइज ऑफ ऑपरेटर. इन दैट केस एज वी नो इस पर्टिकुलर केस में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसका है, अर्थमेटिक का. तो अर्थमेटिक प्लस के लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑपरेंड क्या हुआ 2.5, सेकंड ऑपरेंड इज 3. नेक्स्ट वन सेकंड ऑपरेंड, सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी किसका, अगेन प्लस. फर्स्ट ऑपरेंड इज 5, सेकंड ऑपरेंड इज 0.5. नेक्स्ट वन रिलेशनल, अर्थ में लॉजिकल और रिलेशनल में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसका, रिलेशनल का. देयरफॉर 7.0 इज फर्स्ट ऑपरेंड फॉर ग्रेटर देन रिमेनिंग पार्ट इज सेकंड ऑपरेंड. फाइनली इस केस में सबसे लास्ट में लीस्ट प्रायोरिटी किसका है, लॉजिकल एंड का. तो सबसे लास्ट में कौन सॉल्व होगा, लॉजिकल एंड. इस केस में आपको जनरली एक्सप्रेशन सॉल्व करने की नीड नहीं है, मीन्स इंटीजर के केस में इस प्लेस पर जब भी ये एक्सप्रेशन सॉल्व होगा इसका रिजल्ट किस फॉर्म में आएगा, डबल, बिकॉज फर्स्ट ऑपरेंड का टाइप क्या है डबल, सेकेंड इज इंटीजर. रिजल्ट किस फॉर्म में आएगा, डबल के फॉर्म में, देन एंड. नेक्स्ट केस में अगर बात करें अगेन इस प्लेस पर क्या आएगा, डबल, लेकिन रिलेशनल ऑपरेटर से क्या एडन हुआ, इंटीजर. प्लस एंड के केस में चेक क्या हुआ, ट्रू और फॉल्स, मीन्स कंडीशन ट्रू या फॉल्स है, डोंट चेक डेटा टाइप. एंड के केस में ऑलरेडी आप लोग श्योर हो, एंड के केस में रिटर्न क्या हुआ, आइदर ट्रू और फॉल्स, मीन्स आइदर 0 और 1, मीन्स
ऑपरेंड्स कुछ भी हो, डेटा टाइप्स कुछ भी हो, अगर एंड ऑपरेटर ऑकर हुआ है तो एंड के केस में रिटर्न क्या आएगा, ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स मीन्स जीरो और वन, और जीरो वन का टाइप क्या है, इंटीजर। इसलिए अगेन लॉजिकल एक्सप्रेशन का रिजल्ट किस फॉर्म में आएगा, इंटीजर्स के फॉर्म में, और साइज ऑफ इंटीजर इज टू बाइट्स। अगेन टू इज प्रिंटेड हेयर। नेक्स्ट वन, नेस्टेड फंक्शंस कॉल किए इस प्लेस पर, नेस्टेड प्रिंट टैप। तो सबसे पहले इनर प्रिंट टैप सॉल्व करेंगे, मीन्स दैट वन। इस प्रिंट टैप को कंसोलिडेट करेंगे। व्हाट इज द साइज ऑफ फ्लोट, एज वी नो फ्लोट विल टेक्स फोर बाइट्स, फ्लोट विल टेक्स फोर बाइट्स, देयर फोर इस प्रिंट टैप के थ्रू डायरेक्टली प्रिंट किया जाएगा फोर बाइट्स। देन प्रिंटिंग के जस्ट बाद रिटर्न क्या करेगा प्रिंट टैप फंक्शन, नंबर ऑफ डिस्प्ले सिंबल। अगर स्पेस पर कोई स्पेस पास नहीं किया, सिंपली डायरेक्टली पास किया, देन रिटर्न क्या हुआ फोर के केस में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने, ओनली वन, तो रिटर्न क्या हुआ वन। परसेंट डी के थ्रू नेक्स्ट टाइम क्या प्रिंट हो जाएगा, सिंपली वन। क्लियर।